वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासनिक अमले ने भारी पुलिस बल के साथ बालू की खदान पर छापा मारा। हमीरपुर जिले में बालू माफिया लगातार बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। जिले के भेड़ी खरका पर एडीएम सहित आला अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की। हालांकि इस कार्रवाई की सूचना बालू माफियाओं को पहले ही मिल चुकी थी, जिससे छापे के पहले ही भारी पोकलैंड मशीनों को छुपा दिया गया था। एडीएम हमीरपुर ने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर मानक को ताक पर रखकर बालू का उत्खनन किया जा रहा है, साथ ही नदी की जलधारा को भी प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन एडीएम साहब के पहुंचने से पहले ही मैदान साफ था, उन्हें मौके पर कोई नहीं मिला। उन्होंने बताया कि नदी की जलधारा प्रभावित होती हुई नहीं दिख रही है। फिलहाल प्रशासनिक अमला बिना किसी कार्रवाई के खाली लौट गया। सर, आप भेड़ी खरका खंड आए हुए हैं, क्या कार्रवाई हुई? यहाँ तक खबर मिली थी कि कुछ लोग जो है नियम विरुद्ध खनन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आए थे। लेकिन यहाँ पर आप भी देख रहे होंगे कहीं दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं है, इसलिए जो है आगे कोई कार्रवाई नहीं। बाद बाकी यहाँ पर पट्टे आवंटित हैं, खुदाई तो हुई है, लेकिन ये लोग जो है अपना उससे ई टेंडर के माध्यम से लिए हुए हैं और नदी की जलधारा में यहाँ पर कोई खनन होता हुआ नहीं पाया गया। सर, गड्ढे तो अधिक पाए गए हैं नियम के हिसाब से? गड्ढे अधिक, यहाँ पर कई खंड है ना, कई खंड है, 6-7 खंड है, तो सबके अलग अलग डिमार्केशन लगे हुए हैं पत्थर, तो खोदने के लिए जो उनको पट्टे दिए गए हैं। बात यह नियम विरुद्ध तो नदी की जलधारा में नहीं, इतना चौड़ा पार्ट है। आपको बता दें कि बालू माफिया इतने चालाक होते हैं कि किसी भी छापेमार कार्यवाही की खबर उन्हें पुलिस तंत्र व अपने अन्य मुखबिरों से मिल जाती है, जिससे वे अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही रास्ता साफ कर देते हैं। हालांकि प्रशासन भी इस बात को बखूबी जानता है, लेकिन सबूतों के अभाव में कार्यवाही से पल्ला झाड़ लिया जाता है। हमीरपुर से मोहम्मद मुख्तार की रिपोर्ट।